नमस्कार, शंकर स्टडी पॉइंट में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आलोक तिवारी आज आप सभी लोगों के लिए पर्यावरण भाग सात को लेके आए हैं, जो टेट सीटेट सुपर टेट के लिए है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संख्या किस सम्मेलन को प्रदान की गई, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है जोहान्सबर्ग सम्मेलन को। कब किया गया? तो किया गया 2002। कौन से सम्मेलन को? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। कहां पर? जोहान्सबर्ग सम्मेलन में। कब किया गया? 2002 ईस्वी में किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धारणी विकास के मुख्य पांच क्षेत्र कौन कौन से हैं? किसके? तो धारणी विकास। धारणी विकास के मुख्य पांच क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो कौन कौन सा है? ऊर्जा, जल, स्वास्थ्य, कृषि तथा जैव विविधता है। किसके लिए है? तो धारणी विकास के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है भारत में धारणी विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो वह है क्रमशः कौन कौन से? सौर, पवन एवं जल विद्युत ऊर्जा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कि धारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो कौन सा है? प्राकृतिक संसाधन। अगला कि भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1982 में किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर है, जिसका शॉर्टकट में क्या होगा? NEERI कहां पर स्थित है? तो यह कहां पर है? तो यह नागपुर में। अगला है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो किस विधान से नाम से जाना जाता है? छाता विधान के नाम से जाना जाता है। किसको? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है छाता विधान। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1987 में किया गया। कब किया गया था? तो 1987 में। Rio 5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 कब और कहां आयोजित हुआ था? तो यह 23 से 27 जून 1987 में कहां हुआ था? मध्य न्यूयॉर्क में हुआ। कब हुआ था? कहां पर? तो मध्य न्यूयॉर्क में हुआ था। कब हुआ था? तो 23 से 27 जून 1987। कौन कौन सा? एक Rio+5 के नाम से जाना जाता है, या इसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे? पृथ्वी सम्मेलन +5। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कि शांत घाटी अवस्थित है। शांत घाटी कहाँ है? तो कहाँ पर है? केरल। कौन? केरल में क्या है यहाँ पे पूछा है? तो शांत घाटी। अगला है वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 में किस संरक्षण से संबंधित? किस संरक्षण से? तो यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन बन गया। एक तो रामसर सम्मेलन कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी 1971। और इसकी सॉरी किसके लिए है? किस संरक्षण के लिए? तो वनों से संरक्षण। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है रामसर, ये वाला तो ही गया। अगला है भारत में किस राज्य में सबसे बड़ी अंतरदेशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो कहाँ है यह? गुजरात। अगला क्वेश्चन है कि जीव मंडल
आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, तो कहाँ है यह? अनुवांशिक विभिन्नता के। अगला है जलवायु परिवर्तन का कारण है, तो जलवायु परिवर्तन का कारण जो है वह हरित गृह प्रभाव और हमारा क्या है ओजोन परत का क्षरण एवं प्रदूषण है। तो ये आज थे आप सभी लोगों के लिए पर्यावरण भाग 7 से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। शंकर स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो को विद्यार्थी सबसे पहले देख सके। थैंक्स।